लास्ट टाइम हमने ग्रुप तक पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। यहां पर ये जो दिया है लेजर बनाने के लिए, कैसे एक एक करके लेजर बनाएंगे, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं, देख लो आप, फिर आगे इसको प्रैक्टिकल करेंगे। अब यहां इसको हम टैली में लेजर कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है। अकाउंट्स इन्फो वाले बॉक्स पर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो अकाउंट्स इन्फो है यहां पर क्लिक करेंगे या ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स इन्फो की विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर लेजर का भी ऑप्शन दिया रहता है। इसको ओपन करने के लिए एल की जो हॉटकीज होता है प्रेस करेंगे तो वो लेजर की विंडो ओपन हो जाएगी, इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। आगे प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। लेजर के बॉक्स में दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, ठीक है। अगर आपको एक अकाउंट बनाना है तो सिंगल लेजर का उपयोग करेंगे, और एक साथ एक से अधिक अकाउंट बनाना है तो हम मल्टीपल लेजर का उपयोग करेंगे। क्योंकि अभी एक ही अकाउंट ओपन करना है इसलिए हम सिंगल लेजर का उपयोग करेंगे। यहां हमें सबसे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, क्रिएट ऑप्शन पर जाके हम एंटर प्रेस करेंगे या माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक करेंगे या फिर जो बोल्ड लेटर सी है उसको प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है उसका नाम लिखें, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना, जो सबसे ऊपर मैंने तीन कॉलम में बनाया था वो बनाना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट टाइप करेंगे या लिखेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और अंडर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। इसका अर्थ होता है कि ये जो हमने लेजर बनाया है वो किस ग्रुप के अंदर आएंगे वो हमको चुनना होता है। यहां पर ग्रुप का अर्थ होता है अकाउंट्स ग्रुप, ठीक है, किस ग्रुप के अंदर अंतर्गत आया, जो मैंने अभी समझाया था। यहां पर कैपिटल अकाउंट का ग्रुप दिया रहता है और या किसी अकाउंट का भी ग्रुप होता है वो आपको चुनना होता है। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है क्योंकि ये एक प्रकार का दायित्व है या जिम्मेदारी है व्यापार का, क्लियर। वो जहां से भी कैपिटल आया है वहां आपको वापस करना है, भाई सीधी सी बात है, कर्जा लिया है तो आप वापस करना पड़ेगा। मालिक देखो, याद रखना टैली या हिसाब किताब में हमेशा याद रखना कि मालिक और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, इनको आपको मिलाकर नहीं हिसाब किताब कर सकते, है ना। तो आपको क्या करना है कि मालिक का हिसाब मतलब ओनर का हिसाब अलग और बिजनेस का हिसाब अलग रखना है। हम किसकी पढ़ाई करते हैं, ओनर का यानी मालिक का या बिजनेस का, हम बिजनेस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो एक प्रकार का दायित्व तो यानी लायबिलिटीज है, पर यहां हमारी सुविधा के लिए टैली में कैपिटल का एक अलग से अकाउंट्स ग्रुप ही बना हुआ है तो इसको हम इसी ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं। देखो ग्रुप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक जैसे अगर अकाउंट्स बहुत सारे हो जाते हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, भाई आप एक ग्रुप में रहो, है ना। आप भी यही करते हो, कोई सामान बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो एक जगह उसको रख देते हो, है ना। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा है मात्रा में, एक ही चीज एक ही टाइप की चीज है तो उसको अलग से ग्रुप ही बना देते हो, अलग जगह रख देते हो, है ना। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बहुत बार 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 बनता है ना, इसीलिए उसको एक ग्रुप ही बना दिया गया है कैपिटल अकाउंट का, कि भाई सारे के सारे जितने कैपिटल अकाउंट्स हैं वो सारे ग्रुप में रहेंगे। आगे आप समझोगे इसको, ठीक है। इसको हम ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे या फिर इन्वेंटरी वैल्यू, सॉरी उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड पर आ जाएंगे, यहां पर वाई प्रेस करेंगे, ठीक है, मतलब एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से एंटर प्रेस करेंगे और मेलिंग डिटेल्स पर आ जाएंगे। अब मेलिंग डिटेल्स में कैपिटल अकाउंट नाम आ जाएगा, इसके बाद एड्रेस पर आ जाएंगे। यहां से अकाउंट जिसका भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उस ओनर का पूरा एड्रेस या कांटेक्ट पर्सन, सॉरी पूरा एड्रेस डाल देंगे, कांटेक्ट पर्सन कौन है, टेलीफोन नंबर वगैरह है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आदि इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे तो एक्सेप्ट क्या डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो उसे वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से हम थोड़ा आगे देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे करना है। देखो यहां पे हम गेटवे ऑफ टेली पे आ गए, जैसे खोलते हैं वैसे गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। अगर जैसे आप अकाउंट खोलोगे तो आपको गेटवे ऑफ टेली पे आ जाओगे। आप यहां पर अकाउंट इन्फो में जाओगे बेटा, ठीक है, फिर लेजर्स में जाओगे,
अब खोलने का तरीका मैंने बता ही दिया है। यहां पर सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर मिलता है, कोई भी विकल्प अगर है, जो भी कोई भी चीज अगर बनाते हो टैली में, तो वो क्या करेगा, पूछेगा आपको एक एक करके बनाना है सिंगल सिंगल या मल्टीपल, ठीक है। तो हमें सिंगल बनाना है, क्लिक करते हैं और यहां पे आते हैं लेजर क्रिएशन की विंडो पर, ऐसा दिखेगा। यहां पे आप टाइप करते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें फर्स्ट कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। अगर आपको याद नहीं तो मैं दिखा देता हूं, देख लो तो बेहतर रहेगा, कि जय हमने तीन कॉलम जो अभी पढ़ा था, ठीक है, उसमें ऊपर जाते हैं हम, तो यहां पर जो हमने ये पढ़ा था कैपिटल अकाउंट दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, कैपिटल अकाउंट, अभी इसका मतलब नहीं है, याद रखना, खाली समझने के लिए बहुत जरूरी था, हालांकि अति आवश्यक है ये चीजें। तो अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट और ये मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का उपयोग करना है हमें। तो वापस से हम जो हमारा नवा पेज था उस पे जाते हैं, ठीक है, और यहां तक हमने यहां पे किया था, उसका प्रैक्टिकल अब करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम जब यहां आते हैं, लेजर क्रिएशन की विंडो आ जाती है बेटा। लेजर क्रिएशन में क्या करेंगे, टाइप करेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेम वैसे ही आपको टाइप करना है, एंटर प्रेस करते हैं, फिर आगे आ जाएंगे। अब यहां पे पूछता है अंडर कौन सा है, अंडर का अर्थ होता है कि ये जो कैपिटल अकाउंट है तो किस किस ग्रुप के अंदर रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम यहां पे आते हैं तो बगल में देखेंगे कि ये सारे के सारे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, अपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, उसका ग्रुप हमने क्या देखा है, उसका कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कौन सा है बेटा, ऊपर देखते हैं, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लेना, पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है और इसका ग्रुप कौन सा है, कैपिटल अकाउंट ही है, हालांकि सबका अलग अलग होता है लेकिन इसका सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां टाइप करेंगे कैपिटल अकाउंट जो दिख रहा है यहाँ पे, डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, ग्रुप हेड में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और फिर आ जाएगा इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसका अर्थ होता है कि जो कुछ जो गुड्स है आपका सूची जो है वो चेंजेस होगा, कुछ तो यहां पे प्रभाव डालेगा भाई, हाँ भाई प्रभाव डालेगा, एक्सेप्ट यहां पे वाई प्रेस करते हैं, एंटर मारते हैं, एंटर मारने के बाद यहां पे आ जाएगा मेलिंग डिटेल्स पे, ठीक है, मेलिंग डिटेल्स पे आ जाएगा, मेलिंग डिटेल्स पे यहाँ पे देखो, मेलिंग डिटेल्स मतलब क्या होता है, व्यक्ति का नाम वगैरह जो भी हो, तो कैपिटल अकाउंट ही नाम है, तो कैपिटल अकाउंट आपने आप आ जाएगा। एड्रेस आपको डालना है तो जो भी हो आपका आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पे मारिकपुर डाल देता हूं, मारिकपुर कॉमा चिटको, ठीक है, चिटको हो गया, और फिर डालते हैं जौनपुर, ओके, जौनपुर कॉमा एंटर, और क्योंकि यहाँ पे स्टेट वगैरह दिया है तो हमें कुछ डालना नहीं है, आगे आ जाएंगे, एंटर मारते हैं, यहाँ पे स्टेट कौन सा है, और यू प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बगल में प्रकट हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, इसको डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो जैसे स्टेट के यहाँ बगल में दिखने लगता है ना, जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे प्रदेश जाओगे तो यहाँ पे अपने आप प्रकट हो जाता है, यहाँ पे चुन सकते हो, यू प्रेस करोगे तो फटक करके जल्दी करके दिख जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी, आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे बेटा क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करो, यहाँ पे पिन कोड जो भी हो अपना टाइप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद एंटर मारो, और जो भी आपका पैन आईटी नंबर हो वो डाल सकते हो, कंपनी का जो हो आपके पास, फिलहाल हम पढ़ लेते हैं, जो डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ये अभी सीखने की जरूरत नहीं है आपको, टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको छोड़ देना, आप पिन कोड डालने के बाद एंटर प्रेस करते हो और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हो। तो अब क्या करना, एंटर मारोगे, जैसे एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा बेटा एक्सेप्ट के, एक्सेप्ट मतलब होता है, अगर आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट लिब्रे राइटर एमएस ऑफिस वगैरह पढ़ा है तो वहां पे आता था सेव कर दूं, है ना, सेव, लेकिन यहाँ पे वही ऑप्शन अलग से आता है, उसका नाम होता है एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट करना मतलब सुरक्षित कर देगा, स्वीकार कर लेगा। तो आपको जस्ट यस प्रेस करना है या एंटर भी प्रेस कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, जैसे प्रेस करोगे तो वो जो कुछ भी आपने बनाया वो सेव हो जाएगा। मैंने देखो प्रेस कर दिया तो देखो यहां पे खाली हो गया, पूरा सब खाली हो गया और वो सेव हो गया। अब पढ़ते हैं कि क्या दिया है इसमें, आगे जो हम पढ़ रहे थे उस, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं बेटा, Y के प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने जो
लेजर बनाया है वो बना है कि नहीं, है ना? सही बात है भाई, सीधी सी बात है, वो कहां गया आप समझ में नहीं आ रहा है। तो एस्केप की प्रेस करेंगे और वापस लेजर के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहां पर डिस्प्ले का ऑप्शन होता है, उस पर जाकर डाउन या अप एरो के द्वारा एंटर प्रेस करेंगे, या माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक करेंगे, या डिस्प्ले का डी हॉटकी जो होता है डी लेटर प्रेस कर देंगे तो हाईलाइट जो हाईलाइटेड है उसको प्रेस कर देंगे तो नेम ऑफ लेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट दिखेगा। अब कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमें लेजर में कैपिटल अकाउंट की डिटेल्स दिखेंगे दिखेगा। अब अगर हमें इसे विंडो से बाहर आना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेजर बाद देखते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने जो बना दिया, ठीक है, अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें समझ में नहीं आ रहा कहां गया, है ना? वो जो मैंने फाइल अभी एक्सेप्ट की कहां गई, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले जो कीवर्ड पे एस्केप बटन है उसको प्रेस करो, एक बार प्रेस करो तो यहां पे क्विट का, जैसे प्रेस करोगे यहां पे क्विट का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, एक बार और एस्केप प्रेस करना है तो वो पिछले वाली विंडो पे आ जाता है। देखो यहां पे टैली पे एस्केप क्यू प्रेस किया जाता है कि बाहर निकलने के लिए, एक विंडो से दूसरी विंडो में, तीसरी विंडो में बाहर निकलने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो यहां पे हम जैसे ही एस्केप दो बार प्रेस किए तो यहां पे आ गए लेजर के विंडो पे, ठीक है? तो यहां पे दिया है डिस्प्ले का ऑप्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर डी प्रेस करेंगे या माउस से डबल क्लिक कर देंगे, सॉरी सिंगल क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो दिखता है लेजर, नेम ऑफ लेजर, मतलब आपने अभी तक कितना लेजर बनाया है। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, कैश प्रॉफिट एंड लॉस। कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, ये पहले से टैली बनाया हुआ रहता है, ठीक है? तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है ये दोनों। देखो कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया वो बना लिया है। अगर हम इसको फिर से अंदर जाना चाहते हैं तो इसे डबल क्लिक कर दो, सॉरी सिंगल क्लिक करेंगे बेटा, या नहीं होता डबल क्लिक करना है आप, तो या वापस वही विंडो ओपन हो जाएगी जो आपने भी बनाया था, दिख रहा है? ठीक है, तो यहां तक हमने अभी इससे बाहर निकलना है तो एस्केप प्रेस करो, फिर एस्केप प्रेस करो, फिर एस्केप प्रेस करो और वापस आप आ जाओगे लेजर क्रिएशन की विंडो पे, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट लेजर बनाना है, ठीक है? वापस हम लेजर के विंडो पर आ जाएंगे, क्रिएट के ऑप्शन पर जाके एंटर प्रेस करेंगे या माउस के द्वारा क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है? फिर यहां पर क्या करेंगे कि क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पे हमें एक दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना है, राम का अकाउंट, ठीक है? पढ़ लेते हैं, राम का अकाउंट बनाना है इसलिए नेम ऑफ लेजर से हम राम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए राम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अंडर के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहां पर इस ऑप्शन का अर्थ है कि किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। जैसे ही हम अंडर के ऑप्शन पर आएंगे तो राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की विंडो ओपन हो जाती है, चूंकि यहां पर राम हमारा क्रेडिटर है, ठीक है? मतलब हमने उससे उधार कुछ सामान लिया है, क्रेडिटर है हमारा है, क्योंकि राम से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं उधारी। यहां पर हमें यह देखना है कि क्रिएटर का कोई ग्रुप है या नहीं, ठीक है? तो यहां पर सन्ड्री क्रिएटर और सन्ड्री डेप्टर दोनों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। चूंकि राम क्रिएटर है इसलिए हम इसे सन्ड्री क्रिएटर के अंतर्गत रखेंगे। एंटर प्रेस करते जाएंगे और मेलिंग डिटेल्स पर आ जाएंगे। यहां पर नेम के ऑप्शन में राम अकाउंट है, एंटर प्रेस कर देंगे और एड्रेस वगैरह टाइप कर लेंगे बेटा, और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं आगे। यहां पर हमें राम का बनाना है ना, क्योंकि हमने जो तीन कॉलम देखे थे उसमें कैपिटल अकाउंट के बाद राम अकाउंट होता था, ठीक है? और क्या करना है हमें, यहां पर फिर क्रिएट करेंगे और यहां पर जाएंगे, यहां पर टाइप करेंगे राम अकाउंट, और फिर अंडर के एंटर प्रेस करते हुए एंटर के ऑप्शन पे आ जाएंगे। आप पूछ रहे हैं ये राम अकाउंट क्या है भाई, वहां पे हमने देखा राम अकाउंट किस का ग्रुप क्या है,
अगर हम नोट्स पे देखने जाएं, अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो हमको कॉलम में क्या मिलेगा, राम का जो ग्रुप हेड है, राम अकाउंट दिया है, राम का ग्रुप हेड का है सन्ड्री क्रिएटर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में बनाएंगे यहां पे सन्ड्री क्रिएटर, टैली में। अब यहां पे जैसे एंटर पे आते हैं तो यहां पे दो ग्रुप सब प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सन्ड्री क्रिएटर्स। तो इतने सारे ग्रुप पे कैसे जुड़ेंगे, इसलिए सन्ड्री क्रिएटर है, पहला अक्षर एस है, तो हम एस प्रेस करेंगे तो एस से सभी दिख जाएंगे हमें। ठीक है, तो यहां पे सन्ड्री क्रिएटर दिखता है, यहां पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये यहां पे आ जाएंगे। अच्छा, सन्ड्री क्रिएटर क्यों, समझना चीज को। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जो हमको उधार सामान देता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, और सन्ड्री मतलब होता है विभिन्न, है ना। तो यहां पर जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमने बिजनेस किया है, हमारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, मान लो आज की राम से हमने उधार लिया है, कल श्याम से लूंगा, कल रवि से लूंगा, या हम किसी और कंपनी से ले सकते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है बिजनेस करेंगे तो एक ही से तो लेना देना करेंगे नहीं, बहुत सारे दुकानदार होंगे, बिजनेस होंगे, उनसे भी हम लेना देना करेंगे, उधारी लेना देना करेंगे, तो बहुत सारे क्रेडिटर हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्रेडिटरों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, तो सारे के सारे क्रेडिटर को एक ही ग्रुप में उनको रख दिया जाता है। तो यहां पर एक ग्रुप ग्रुप टैली ने बना के पहले से रखा है, उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये क्या है, करंट लायबिलिटीज है, करंट मतलब अभी का है, प्रेजेंट टाइम का लायबिलिटीज है, मतलब अभी अगर उधार हमने लिया है तो वो कर्जा है ना, लायबिलिटीज मतलब कर्जा है, तो वो हमें रिटर्न करना है, मतलब कंपनी को रिटर्न करना है, तो कंपनी का लायबिलिटीज है, करंट है, अभी का है, वर्तमान का है। ठीक है, ठीक बेटा। अब यहां पे जो भी है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो उसको यस करते हुए और इसको भी यस कर देंगे। ठीक है, ये जो वैल्यूज अफेक्टेड है इसको भी हम एंटर मारते हुए आएंगे, और अगर नहीं पूछता है 2 मिनट रुक जाओ बेटा, यहां पे एस करेंगे और एंड वाई दबाएंगे, और जब ऐसे पूछता है डबल क्लिक करेंगे, यहां पे आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इसको भी हम, अगर पीरियड वगैरह है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको चक्कर मत पड़ना, तो इसको देने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम। मेल इन डिटेल पता ही आपको कैसे डालना है, तो यहां पर एंटर प्रेस करेंगे बेटा, और एड्रेस जो भी हो, जैसे मैंने बताया था किसको भी कैसे टाइप कर देंगे, ये कहाँ का है, हमारी कंपनी बारीकपुर में, मान लो ये चंदौक से हम ला रहे हैं, तो राम अकाउंट कहाँ का है, चंदौक का है, तो हम डालते हैं CHAN, या थोड़ा और दूर का डाल देते हैं तो अच्छा रहेगा। केराकत मान लेते हैं, ठीक है, केराकत का है, और फिर जौनपुर, ठीक है, जौनपुर डाल देते हैं, और नीचे स्टेट दिया है तो हम इसको स्टेट बगल में आ जाएगा, तो यहां पे यू प्रेस करेंगे तो आराम से हमें उत्तर प्रदेश दिख जाएगा। ठीक बेटा, पिन कोड जो भी हो, ठीक है, जो भी हो आप डाल लोगे, मान लो मैं एक ही डाल देता हूं, जो भी हो, किराकत का एंटर प्रेस करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो आगे आ जाएगा, एंटर प्रेस करते एक्सेप्ट। ठीक है, बस क्या करना है आपको, सीधा एंटर प्रेस करना है या एक्सेप्ट प्रेस करना है, तो ये हो जाएगा सेव, ये भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो आपका 2 अकाउंट बन गया। हाँ, ये हमेशा याद रखना बेटा कि जो हम ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं, बताते हैं जो ग्रुप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, ये क्या है, चीज कैसे है, ये क्लियरली आ जाता है समझ में, जो पहले मैंने बताया था उसको आप बेहतर समझ लोगे तो इसमें भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको आप बेहतर समझ लेना, और इससे बाहर निकलना है तो एस्केप प्रेस करेंगे, वापस से हम गेटवे ऑफ टैली पे एस्केप बार 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 प्रेस करते हुए, तब तक एस्केप प्रेस करते रहेंगे जब तक कि गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना, और टैली को ही पूरा क्लोज करना है तो फिर एस्केप मारोगे तो ये आएगा क्विट की विंडो, क्विट
कि आपको बाहर निकलना है, तो फिर यस दबा दोगे तो ये आप बाहर निकल गए, ठीक है, टैली आपका बंद हो गया। ठीक है बेटा, आज की सीख क्या है बेटा? देखो, शिक्षा वो हथियार है जिसका बेहतर उपयोग परिवार, घर और समाज के लिए एक संस्कारी व्यक्ति ही कर सकता है। केवल ऊंची शिक्षा ग्रहण करने से, बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का, बहुत ज्यादा किसी भी चीज का, किसी भी तुम्हारे सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता, ठीक है। ये बहुत ही गलत बात है कि कोई बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई कर लेता है तो वो ज्यादा समझदार होगा। ये समाज में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो जाता है। समझदार वही होता है जो संस्कारी होता है, वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। संस्कारी है तो समझदार होगा ही, ये दिमाग में रखना बात। चलो स्टॉप करते हैं बेटा।